भिवानी जिला के गांव पुरवा भवानी खेड़ा के बीच आज सुबह सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार रविंद्र और शंकर गांव पुर के निवासी थे, जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच थी। इनमें मृतक युवक रविंद्र अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दोनों फ्रूट जूस की दुकान पर जूस निकालने का काम करते थे और इसी काम के लिए वो अपने गांव से मोटरसाइकिल पर बर्फ लेने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में यह हादसा हो गया। वहीं इस हादसे को लेकर लोगों का कहना है कि यह हादसा बड़ा टक्कर मारने वाला वाहन डंपर हो सकता है, क्योंकि इस मार्ग से काफी संख्या में डंपर तेज गति से गुजरते हैं। मेरे परिवार के दोनों लड़के थे, दोनों ताऊ के लड़के थे और ये भवानी खेड़ा से जूस का काम करते हैं गांव में। एक बच्चा, दूसरा जो स्टडी पढ़ाई करता है और दूसरा जो जूस का काम करता है, वो अपने भवानी खेड़ा से जो बर्फ लेके अपने गाँव की तरफ जा रहा था। इस घटना को जिसने भी इल्जाम दिया है उसको, उससे हम यही सरकार से लगता है, अभी तक मतलब कंफर्म कह नहीं रहे, अभी पता नहीं चल रहा किसने भी किया इसको, लेकिन इस घटना को जिसने भी इल्जाम दिया है हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि भी इसको, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। व्हीकल के लिए बता रहे हैं, ऑन द स्पॉट इनकी मौत हो गई है और एकदम से सीधी घटना बता रहे हैं। आपस में टकरा हुआ है अपने सामने, एक का नाम रविंदर और एक का नाम शंकर था, दोनों साल के करीब है। हादसा तो बच्चे दो गांव के हैं, हमारे भाइयों के लड़के छोटे, तो ये बर्फ लेने जा रहे थे भवानी खेड़ा, जूस का काम कर रहे हैं बर्फ लेने के लिए जा रहे थे और आते हुए पुल के दो तीन किले इधर भवानी खेड़े की तरफ है, कोई बड़ा व्हीकल टक्कर मार गया वो ऐसे, एक के तो ऊपर को उतर गया और दोनों एट द स्पॉट इनकी डेथ होगी दोनों की। एक का नाम शंकर है, एक का रविंदर है, एक अजीत का है। दोनों कुंवारे बच्चे थे, 16-17 साल की उम्र के जमाए छोटे, 18-19 साल के जमा छोटे बच्चे हैं जमाए। तो बहुत बुरा हादसा हुआ हमारे लिए, तो गांव के लिए, सबके लिए, सबके लिए। हाँ, तो देखो अगर क्या कार्रवाई, जो यहाँ बहुत भारी भारी गाड़ी जाती है, ओवरलोड गाड़ी जाती है, जिन पर कंट्रोल नहीं होता, नहीं यहाँ कोई चेकिंग नहीं करता, भवानी खेड़े से लेकर वहाँ ये कोई चेकिंग नहीं। हादसे होने के साथ में ट्रक के साथ में, ट्रक के बड़ा बड़ा डंपर बता रहे हैं, बड़ा बड़ी गाड़ी थी, लोड व्हीकल नहीं पकड़ा गया, जो व्हीकल तो निकल गया उस टाइम, यहाँ था नहीं कोई, बस एक दो जो रास्ते में देखने वाले थे उन्होंने बताया भी वो डंपर था, बड़ी गाड़ी थी। बहरहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कब तक सुलझाती है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।